मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस, हियर इज योर बुक विस्टास, सेकेंड बुक, सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर। वी वर रीडिंग द फोर्थ लेसन, द एनिमी। समरी ऑफ दिस लेसन। नाउ वी स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एज समरी। यू कैन सी हियर, यहां पर सदाओ पहचान कर चुका था, वह सैनिक एक अमेरिकन है और उसे युद्ध में एक कैदी बनाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। ही वॉज टोर्न बिटवीन, यानी कि ही यहां पर सदाओ से मतलब है, ही वॉज टोर्न बिटवीन हिज मॉरल ड्यूटी एज ए डॉक्टर विच वी गेट हिम टू सेव द डाइंग मैन एंड हिज नेशनल ड्यूटी विच रिक्वायर्ड हैंडलिंग हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट। यहां पर राइटर ये बता रहा है कि सदाओ जो डॉक्टर हैं, एक वो एक दुविधा में फंस गए। क्या कि एक और तो वो डॉक्टर थे, डॉक्टर के नाते उसे उस मानव धर्म को अपनाना था, निभाना था और उस सैनिक की जान बचानी थी, और दूसरी ओर हिज नेशनल ड्यूटी उसका राष्ट्रीय कर्तव्य था कि विच रिक्वायर्ड हैंडिंग हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट, एक देशभक्त के रूप में वह उस सैनिक को सेना को सौंप दे। ये दो बात सामने आए। बोथ थाना एंड सदाओ फाइनली डिसाइडेड टू टेक द मैन होम। अंत में थाना, उनकी जो वाइफ है, और सदाओ दोनों मिलकर ये निश्चय करते हैं कि हमें इसे घर लेकर चलना चाहिए। एज ही वाज इन नीड ऑफ अर्जेंट मेडिकल अटेंशन, जैसा कि उसे इस समय अति आवश्यक है कि चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। दे डिसाइडेड दैट दे शुड टेल द सर्वेंट्स आल्सो, उन्होंने निश्चय किया कि वे उसके बारे में अपने नौकरों को भी बताएंगे या बता देना चाहिए। द सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड, नौकर इस बात को लेकर भयभीत थे जो उनके स्वामी इस समय कर रहे थे। जस्ट टोल्ड देम, जैसा कि उन्होंने बताया। दे थॉट दैट देयर मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड ऑफ दैट व्हाइट मैन। यहां पर जो उनकी एक नौकरानी है यूनी रिफ्यूज टू वॉट ए व्हाइट मैन एंड रिटर्न टू हर वर्क, उस की सहायता करने के लिए मना कर देती है और वापस लौट जाती है। हाना हर सेल्फ वॉश्ड हिज ब्रेस्ट एंड फेस विद स्टीमिंग हॉट वाटर केयरफुली। हाना स्वयं उसकी छाती को और उसके चेहरे को गर्म पानी से सावधानी पूर्वक साफ करती है। हर एंगर वाज एबिंग, अपनी नाराजगी को छिपाते हुए। आगे बढ़ते हैं। सदाओ वाज रेडी टू ऑपरेट, सदाओ यानी डॉक्टर सदाओ तैयार थे ऑपरेशन के लिए। ही वाज कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन हिज वर्क, और वह अपने काम में पूरी तरह से डूब चुके थे, अर्थात उनका कहीं और ध्यान बिल्कुल नहीं था, अपने काम पर था। ही टोल्ड हाना दैट सी वुड नॉट गिव एनेस्थेटिक टू द मैन, उसने हाना को बताया कि इसे और अधिक बेहोशी की दवाई न दी जाए। द बुलेट वॉज स्टिल इन साइड द फ्लैश, गोली मांस में अभी भी अंदर की ओर धसी हुई थी। ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट मच ब्लड, वह काफी खून उसके शरीर से, सैनिक के शरीर से काफी खून बह चुका था। हाना कुड नॉट बियर द साइट एंड रन आउट ऑफ द रूम, हाना इस दृश्य को देख नहीं सकी और कमरे से बाहर चली गई। बट सी केम विद ए बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, लेकिन जब वापस आई तो उसके हाथ में एक बोतल थी और एक रुई का कॉटन का हिस्सा था। देन विद ए वेरी क्लीन एंड प्रिसाइज इंसेशन, फिर एक साफ सुथरा सावधानी पूर्वक कट लगाया गया। द बुलेट वॉज टेकन आउट, और गोली को बाहर निकाला गया। डॉक्टर सदाओ डिक्लेयर्ड दैट द मैन वुड लाइव इन स्पाइट ऑफ हिज सफरिंग, डॉक्टर सदाओ ने घोषणा की कि
यह व्यक्ति जीवित रहेगा इन स्पाइट ऑफ हिज सफरिंग, इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी। द यंग मैन वॉक अप, वह युवक जागा। ही वॉज टू वीक, वह काफी कमजोर था। हिज ब्लू आई वर टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें आतंकित थी। वैन ही थॉट वेयर ही वॉज, जब उसने विचार किया कि वह कहाँ है। हाना कम्फर्टेड हिम, हाना ने उसे दिलासा दिया कि ही वुड सून बी स्ट्रॉन्ग, वे जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन डॉक्टर सदाव एग्जामिन्ड द वाउंड, डॉक्टर सदाव ने उसके जख्म का निरीक्षण किया, जांच की। टॉम आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विद हिम, टॉम ने उनसे पूछा कि वे उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। ही लुक बारले 17, वे देखने में 17 वर्ष का लगता था। टॉम वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, टॉम युद्ध का एक सैनिक था। एंड शुड हैव बीन हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और उसे पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए था। द सर्वेंट्स फेल्ट दैट दे कुड नॉट स्टे इफ सदाव हाइड दैट व्हाइट मैन एनी मोर इन द हाउस, जो उनके नौकर थे उन्होंने महसूस किया कि वे वहां और नहीं ठहर सकते यदि सदाव उस व्हाइट मैन को और अधिक अपने घर में ठहराता है। द मैन थैंक्ड डॉक्टर सदाव फॉर हैविंग सेव्ड हिज लाइफ, उस व्यक्ति ने डॉक्टर सदाव का धन्यवाद किया, कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि उसने उसके जीवन को बचाया था। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट, आखिरी जो पट्टिया थी वो भी उसके जख्म से हटा दी गई। द यंग मैन वुड बी ऑल राइट विद इन ए फोर्टनाइट, यह युवक लगभग 15 दिन में ठीक हो गया। ऑन द सेवंथ डे द सर्वेंट्स लेफ्ट टूगेदर, और जो उसके नौकर थे वो सातवें दिन ही एक साथ उन्हें छोड़कर चले गए थे। ऑन द सेम डे ए मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम टू सदाव हाउस, उसी दिन एक दूत अपनी ऑफिस की यूनिफॉर्म में सदाव के घर पर आया। ही आस्क्ड डॉक्टर सदाव टू कम टू द प्लेस, उसने सदाव को सूचना दी कि आपको महल चलना होगा। एज द ओल्ड जनरल वाज इन पेन, चूंकि बूढ़ा जनरल कष्ट में है, पीड़ा में है, दिक्कत है उसको, सदाव टोल्ड द होल एपिसोड टू द जनरल, सदाव ने सारा एपिसोड जनरल को बताया। द जनरल न्यू दैट सदाव वाज इंडिस्पेंसिबल टू हिम, और जनरल अच्छी तरह से जानता था कि सदाव उसके लिए अत्यंत जरूरी है। ही नेवर ट्रस्टेड अदर जैपनीज सर्जन्स, वे अन्य जापान के जो सर्जन थे उन पर यकीन नहीं करता था। द जनरल प्रोमिस्ड सदाव नथिंग वुड हैपन टू हिम, और जनरल ने उससे वायदा किया सदाव कि तुम्हारे साथ कुछ गलत घटित नहीं होगा। द जनरल देन प्लान्ड, फिर जनरल ने कोई योजना बनाई। सदाव थॉट दैट द प्लान वुड बी बेस्ट फॉर द फैमिली, और सदाव ने विचार किया कि यह योजना उसके परिवार के लिए उचित होगी। सदाव स्पेंट 3 रेस्टलेस नाइट्स, सदाव ने 3 रातें बेचैनी के साथ व्यतीत की। फॉर द असाइंस बट दे डिड नॉट कम, लेकिन हथियार फिर भी नहीं आए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू गेस्ट रूम, अगले रविवार को वह गेस्ट रूम में गया। ही थॉट ऑफ पुटिंग हिज बोट ऑन द शोर, उसने विचार किया कि वह अपनी नाव को किनारे पर ले जाए। दैट नाइट, उसी रात, विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, और भोजन और कपड़े उसमें रखते। द अमेरिकन माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आईलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, अमेरिकन इस योग्य था कि वह अपनी नाव को चलाकर उस द्वीप पर इस किनारे से जा सकता है। ही गेव ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू टॉम, उसने टॉम को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए थे। ही टोल्ड टॉम दैट ही शुड फ्लैश द लाइट 2 टाइम्स इफ ही नीडेड समथिंग, उसने टॉम को बताया कि यदि उसे किसी चीज की आवश्यकता है तो वह टॉर्च से 2 बार उसको संकेत करे। इवन हाना डिड नॉट नो अबाउट दिस प्लान, हाना इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। सदाव हैड टोल्ड टॉम
टू वेट फॉर ए कोरियन शिप। सदाव ने टॉम को बताया कि उसे कोरियन शिप का इंतजार करना चाहिए। सदाव वेंट टू जनरल एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द अमेरिकन हैड एस्केप्ड। सदाव ने जनरल को बताया कि वह अमेरिकन छिपकर भाग गया है। ही टोल्ड सदाव नॉट टू लीक दिस इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी। यहां पर जनरल ने सदाव को कहा कि वह ये सूचना किसी को न दे, अर्थात इसके बारे में कोई जिक्र न करे। सदाव गॉट हिज रिवार्ड। सदाव को अपना इनाम मिल चुका था, पुरस्कार मिल चुका था। ही डिड नॉट रिसीव एनी सिग्नल। उसे कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ उस सैनिक की ओर से। नो वन वाज ऑन द आइलैंड। उस द्वीप पर कोई नहीं था। द प्रिजनर हैड गॉन सेफली। वह कैदी सुरक्षा पूर्ण तरीके से जा चुका था। ये समरी थी, सारांश था द एनिमी का। और इस लेसन को हम क्लास में पढ़ेंगे। इस लेसन से संबंधित जो भी पैराग्राफ होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे और वो सभी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और सभी नोटबुक आपकी चेक की जाएंगी। यह बात ध्यान रखें, इस कोरोना काल में आप जितना भी काम आसानी से घर पर रहकर कर सकते हैं उतना काम बाद में नहीं कर सकते। ये हिदायत मैं आपको कई बार दे चुका हूँ, आप इसको फॉलो करो और अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई करो। यदि आपके फ्रेंड्स ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा प्रेरणा दो, वे भी इसको करें। अगर पेरेंट्स ये वीडियो देखते हैं तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को ये वीडियो दो या तीन बार दिखाएं, उनकी समझ में ये बातें जरूर आएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ओके, थैंक यू वेरी मच।